शुरू कर चुके हैं। आपके साथ मैं हूं राहुल कुमार और इस बुलेटिन में हफ्ते के तमाम अपडेट्स पर नजर डालेंगे। तो बिहार के कई जिलों में रामनवमी को सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जिसे लेकर राजनीति तेज है। पक्ष विपक्ष लगातार इन मामलों में एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इधर बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी को लेकर कहा कि बीजेपी देश का माहौल खराब करने में लगी हुई है, लेकिन देश की जनता जानती है कि धर्म के नाम पर किसी तरह का माहौल बनाया जा रहा है। सदन में भी, सभा में भी हमने कहा और यहाँ भी हमने कहा कि सवाल जो है, हम जो आपका प्रश्न है हम जवाब देंगे। और आपको पता होना चाहिए कि ये बिहार जो है, यहाँ पे सब लोग रहते हैं, देश में सब लोग रहते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, इस धरती पर जो लोग भी सत्ता के सुख पाने के लिए अगर देश को बांटना चाहते हैं, तो एक समय आएगा जो यहाँ के लोग इसका जवाब देंगे। 24 के पल लगता है क्या? सवाल अभी 24 का नहीं है ना, सवाल देश का है। आप क्यों 24 के लिए परेशान हैं? अभी सवाल देश का है। देश कतई नहीं कहता है कि धर्म के नाम पे देश को बांटो। और कानून अपना काम करता है। दंगा अगर हुआ, जिन लोगों ने साजिश रचा उसका खुलासा होगा, दंडित होगा। आप देखे होंगे केरला के मामले में हुआ ना, वीडियो वायरल हुआ, पूरी सरकार के पास प्रूफ है कौन लोग उससे बात कर रहे थे, किसने उसका आया। इसलिए हम तो अपील करते हैं देश के लोगों से, आपके माध्यम से अपील करते हैं कि याद करिए वो कुर्बानी जिन लोगों ने अपनी जीवन को न्योछावर करके देश को आज़ाद कराया था। आज देश में धर्म की बात हो रही है, आज देश में हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, कभी माफ़ नहीं करेगा। कह रहे हैं